तो गाइस बिहारी ट्रेडर्स की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखो मेरा जो ट्रेड था आज का, मैं इससे पहले भी पूरा वीडियो बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ सुबह ही। देखो मार्केट आज मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था और यहाँ से मैंने यहाँ तक मैंने प्रॉफिट बुक किया था आज सुबह को, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों मैं बाय किया, यहाँ पे क्यों मैं स्टॉप लॉस रखा, ठीक है, मैं आपको ज़रा सा 5 मिनट 15 मिनट के स्टडी में टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो 15 मिनट में क्या है, ये देखो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट था, ये सपोर्ट की सपोर्ट काम कर रहा था, ठीक है, सपोर्ट बन के ये काम कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, ये जब ये नीचे गैप डाउन खुला तब ये रेसिस्टेंट का काम कर रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ तक का मैं ये वाला यहाँ तक का मैं ये रखा था, स्टॉप लॉस रखा था ताकि इसके ऊपर क्लोजिंग ना करे। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता तो मैं निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं था। और दूसरी बात, यहाँ पे एक देखो 15 मिनट के कैंडल में एक बेरिश कैंडल भी बना था, ये देखो एक ये वाला बेरिश कैंडल भी बना था, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने वहाँ पर ट्रेड ले लिया था, ठीक है। और दूसरा ट्रेड मेरा जो ये लिया था, दूसरा ट्रेड मेरा ये वाला था, तो ये तो मेरा स्ट्रेटजी का ट्रेड था, ठीक है। ये जो मेरा था ये स्ट्रेटजी का ट्रेड था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा मेरा स्ट्रेटजी में किस हिसाब से मैंने ट्रेड लिया था। वैसे ही जैसे रोज़ लेता हूँ, ये मूविंग एवरेज ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये मार्केट जा रहा है, यहाँ पर टच किया, बाय किया, ऐसे मैं सब ले लिया ट्रेड इस तरह से। तो मैं आपको प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं मैं अगर एक मिनट में की बात करूँ तो देखो मेरा यहाँ पे देखो ये मेरा ट्रेड दूसरा ट्रेड था ये वाला, और ये वाला मेरा फर्स्ट ट्रेड था। और अगर हम बात करें आए की तो देखो यहाँ पे पहले बात यहाँ पे ऐसे मार्केट आया, फिर यहाँ से ये डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम बना के फिर मार्केट यहाँ तक गया और इसके ऊपर भी आगे तक गया यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को सुबह ही मैंने बोला था, क्या बोला था वीडियो में जाकर देख लेना, कि मार्केट अगर यहाँ तक आता है फिर यहाँ पे एक रेंज बनाता है, रेंज बना के जिधर ब्रेक करेगा उधर ही मार्केट जाएगा। तो सेम उस तरह के यहाँ पे एक छोटा सा रेंज बनाया, बाकी देखा जाए तो यहाँ भी एक रेंज बनाया, यहाँ पे रिटेस्ट लेके थोड़ा यहीं घूमता रहा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद ये फिर जैसे ही ब्रेक किया ये नीचे की तरफ आ गया, ये वाला रेंज जैसे ही ब्रेक किया फिर ये नीचे की तरफ आ गया। तो ये वाला तो है मेरा प्राइज एक्शन का ट्रेड, ठीक है। और जो मैं ट्रेड लिया था मेरा इसमें क्या बोलते हैं स्ट्रेटजी में, वो भी आप लोग को मैं दिखाऊंगा स्ट्रेटजी का ट्रेड, मैंने किस तरह से मैंने स्ट्रेटजी का ट्रेड लिया था। और ये भी मैंने सुबह सुबह ही मॉर्निंग को मैंने बताया था कि आज मैं ऊपर के लिए ट्रेड मैं लूँगा नहीं, जब तक मार्केट इसके ऊपर आके सस्टेन रेंज बना के ब्रेक नहीं करता है तब तक मैं ऊपर के लिए ट्रेड नहीं लूँगा, मैंने ये भी बोला था। और ये भी बोला था मैं कि सिर्फ आज नीचे के लिए ही ट्रेड लूँगा, ऊपर के लिए नहीं लूँगा, ठीक है। तो आज सेम वैसा ही हुआ, नीचे नीचे का ही ट्रेड हुआ आज। और दूसरी बात यह है, नीचे नीचे का मतलब इसके नीचे ही ट्रेड हुआ आज, इसको ऊपर नहीं गया, ठीक है। और दूसरी बात है, मैं अपने स्ट्रेटजी में आप लोगों को दिखाऊंगा स्ट्रेटजी किस हिसाब से मेरा स्ट्रेटजी काम किया, ठीक है ना। तो चलो हम दिखाते हैं आपको स्ट्रेटजी का क्या क्या सीन है और स्ट्रेटजी मैंने कैसे काम किया। तो चलो मैं स्ट्रेटजी में आता हूँ, मेरा मूविंग एवरेज में लगाता हूँ पहले। तो देखो मैंने अपना लगा दिया मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज में देखो मैंने जैसे रोज में ट्रेड लेता हूँ उसी तरह से सेम मैं ट्रेड लिया हूँ, इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि मूविंग एवरेज के अगर नीचे रहता है मार्केट जैसे टच करता है मैं नीचे के लिए ले लेता हूँ, 100, 150, 200 पॉइंट के लिए ले लेता हूँ, ठीक है। आप लोगों को जैसे पता है मैं हर ट्रेड ऐसे ही करता हूँ। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, यहाँ से फिर ये नीचे आता, अगर और टाइम रहता तो ये नीचे आता, नीचे नहीं आता तो क्या होता, स्टॉप लॉस हिट होता, दो में से एक ही ना होता भाई, तो वही वाली बात है। तो यहाँ पे मैंने लगभग 200 पॉइंट का यहाँ पे मैंने अचीव किया था, यहाँ पे मैंने लगभग 200 पॉइंट का अचीव किया था, और यहाँ पे भी लगभग 200 ही पॉइंट था, नहीं ये मेरे सबसे ज़्यादा है। देखो ये कितना है, मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ, ये कितना पॉइंट है, यहाँ से ये लगभग 250-300 पॉइंट का ये मेरा था, ठीक है। तो 250 मैंने इसमें से मैं लिया, और इसमें मेरा 200 पॉइंट, ठीक है, इसमें मेरा 250 पॉइंट, इसमें मेरा 200 पॉइंट, मतलब 500 पॉइंट का आज मुझे लगभग 500 पॉइंट का मुझे आज पॉइंट मिला है आज, ठीक है। और इस तरह से मेरा रोज़ ट्रेड मिलते रहता है, आप लोगों को मैं रोज़ वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, आप लोग आप सोचोगे कि ये पता नहीं कैसे कैसे बना बना के भेज देता है, तो आप लोग खुद देख लो, खुद से देख लो आप लोग सब के सब वीडियो, जितना भी वीडियो मैं अपलोड किया हूँ सारा वीडियो देख लो, सिर्फ इसी स्ट्रेटजी में काम करता हूँ हमेशा,
हमेशा इस स्टडीज पर काम करता हूँ। अगर आप लोग को ये स्टडी चाहिए ना तो मैं आप लोग को दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ता रहेगा ना, जब ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएगा, 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएगा, तब मैं आप लोग को ये स्ट्रेटजी मैं आप लोग को ज़रूर दूंगा, ताकि आप लोग ये चेक कर लेना कि सही में वास्तव में ये काम कर रहा था नहीं कर रहा था, ठीक है। ये आप लोग ज़रूर देख लेना। और ये जो मैं ट्रेड डालता हूँ ना, ये वाला ट्रेड, तो इसका ना आप ना इसका जो है डेट वेट सब लिख के रख देना। जब मैं स्ट्रेटजी दूंगा तो ये डेट का ये सब डेट जो है इसका आप चेक कर लेना कि सही में ये काम किया था नहीं किया था, ठीक है। और देख लेना। और देखो मैं पीछे का भी दिखाता हूँ आपको, ये 12 तारीख का है, आप चेक कर लेना। ये 12 तारीख का है, ये हिसाब से ये वाला है। ये देखो मेरा, मैंने बोला था ना, मैंने वो जो 200 पॉइंट अचीव किया था यहाँ से मार्केट खुलते ही, यहाँ से जो मार्केट खुला था यहाँ से 200 पॉइंट अचीव किया, फिर डायरेक्ट इधर के ही मैं निकला था 200 पॉइंट लेके, फिर यहाँ से मैं फिर नीचे के ले लिया था, लेकिन ये स्टॉप लॉस हिट हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे देखो फिर मैंने इधर ही ट्रेड लिया था, यहाँ पे फिर मैंने ट्रेड लिया था, आप देख लेना, ये वाला भी वीडियो जाके देख लेना। यहाँ पे मैं ट्रेड लिया था, फिर यहाँ से फिर मुझे लगभग 150-200 पॉइंट यहाँ पे मिला था मुझे, ठीक है।